हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी। ये सब्जी भंडारे में मतलब प्रसाद के रूप में मिलती है, इसीलिए इसमें कोई प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। और फिर भी ये सब्जी प्याज लहसुन वाली जो सब्जी होती है उसके ऊपर भी भारी पड़ती है। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होती है और बनाने में भी इतना कुछ झमेला नहीं है, झटपट बन जाती है। चलिए फिर झटपट हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम मसाला बना लेंगे। तो मसाले के लिए मैंने लिया है यहाँ पर छोटे छोटे 3 टमाटर, 1 से 1.5 इंच जितना अदरक लेंगे और थोड़ा सा मैंने सूखा खोबरा लिया है और सब किसी को मैंने रफली काट लिया है, बड़ा बड़ा करके काट लिया है और उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं महीन सा पेस्ट बनाकर लिया है मैंने, और स्मूथ होना ज़रूरी है, महीन होना ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी का टेक्स्चर अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ देखिए मैंने 6-7 आलू लिए हैं, मीडियम से थोड़े छोटे साइज के आलू है और उबाल लिया है। उबालने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं अभी छील ले रही हूँ और छील कर हम इनको तोड़ लेंगे। देखिए मैंने छील लिया है, अभी तोड़ लेंगे। चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथ से तोड़ने से भी हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है ऐसे। तो हाथ से ऐसा करके जैसे आपको पसंद, मतलब बड़ा या छोटा जैसा आपको पसंद हो वैसा आप तोड़ लीजिए। मैंने भी तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखेंगे और चलिए हम कढ़ाई की ओर चलते हैं इसकी सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल, ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो सरसों का तेल डाल सकते हैं और तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरे, 1/2 टीस्पून सरसों डाल देंगे। तेल अच्छा गर्म होने के बाद ही डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से चटके। और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा मेथी दाने, मतलब यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाने डाले हैं, 1 तेज़पत्ता डाल दिया मैंने तोड़कर, और इसके साथ डाल रही हूँ मैं 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। सब कुछ अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। और अभी हम मसालों का पेस्ट डाल देंगे, जो हमने बनाकर रखा था ना टमाटर नारियल और अदरक का, वही पेस्ट अभी हम डाल देंगे। और मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि भूनने के लिए हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए, और मिक्सर जार में काफ़ी मसाला लगा हुआ है तो वो भी वेस्ट ना हो, इसीलिए मिक्सर जार धोकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हमें यहाँ पर पाउडर मसाले डालने हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो पाउडर मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए, और इसके साथ डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है यहाँ, अच्छे से मिला लेंगे। और इसके साथ साथ डालना है स्वाद अनुसार नमक, अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए, मेरे यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। ढक देंगे और मीडियम टू लो हीट पर कुक करेंगे जब तक कि ऐसे तेल नहीं छोड़ देता मसाला। तो देखिए यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है और जितना भी पानी हमने डाला था वो भी सूख चुका है। तो अभी हम जो आलू रखे थे, आलू डाल देंगे, जो उबले हुए आलू तोड़ कर रखे थे हमने, वही अभी हम डाल देंगे। आलू डाल के ज़्यादा देर तक यहाँ पर भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू पहले से ही उबले हुए हैं और बहुत ज़्यादा देर चलाएंगे तो ये बिल्कुल भरता बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से डालें, जितनी पतली चाहते हैं ग्रेवी उसके हिसाब से पानी डालें। मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी, तो उसके हिसाब से मैंने भी पानी डाल दिया है। तो अभी हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जल्दी उबाल आ जाए। देखिए दोस्तों अच्छा सा उबाल आ चुका है और अभी ज़्यादा देर के लिए पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, या तो जब तक ग्रेवी अपनी मनपसंद की ना हो तब तक के लिए हम कुक कर लेंगे। देखिए मेरे यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट के लिए पका लिया है, एक बार नमक चेक कर लेंगे, नमक ठीक है, अगर आपको लगता है तो और ऐड कर सकते हैं। तो अभी सब्जी को निकालने से पहले हम डालेंगे थोड़ा सा और गरम मसाला,
बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला डाला है, लास्ट में डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और ये है 1/2 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इस सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, बिल्कुल दुगुना हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर चाट मसाला ना हो तो आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने कुछ कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, और हाथ में ऐसा क्रश करके डाल देंगे। और इसके साथ हमें चाहिए था थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, लेकिन मेरे पास हरा धनिया नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अभी हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ग्रेवी भी बिल्कुल मेरे मनपसंद की है और गाढ़ी नहीं करनी है मुझे। तो अभी मैं यहाँ पर हीट को ऑफ करूँगी और थोड़ी देर के लिए हम ढक कर रखेंगे। हीट बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे और देखेंगे कि हमारी सब्जी का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए दोस्तों, कलर बिल्कुल बढ़िया तरीके से खिल कर आया है। और अभी हम सब्जी को चलिए सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि कितनी इजी प्रोसेस में, कितनी आसानी से मैंने यह सब्जी बनाई है। और बिल्कुल भंडारे में जैसी आलू की सब्जी मिलती है, मतलब आलू टमाटर की सब्जी मिलती है, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। बस सिर्फ यहाँ पर हरा धनिया की कमी है और कुछ नहीं है। आप भी इस तरह से ये सब्जी ज़रूर बनाकर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ऊपर से मैं थोड़ी सी भुनी हुई तिल छिड़क रही हूँ गार्निशिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं है। जो भी हो, तिल भुनी हुई है, कच्चा तिल ना डालें। देखिए दोस्तों, दिखने में कितना बढ़िया है और खाने में ये बिल्कुल लाजवाब है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।